नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट से लिया संन्यास। अपने 37वें जन्मदिन पर वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मंगलवार को सहवाग ने ट्विटर पर संन्यास लेने का औपचारिक ऐलान कर दिया। सहवाग पिछले 2 साल से भी अधिक समय से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे थे। सहवाग ने अपना आखिरी टेस्ट मैच मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेला था, जबकि पहला टेस्ट मैच नवम्बर 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ब्लोमफोंटेन में खेला था। सहवाग भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 2 तिहरे शतक जमाए हैं। सहवाग ने 104 टेस्ट, 251 वनडे और 19 T20 मैच खेले हैं। फरीदाबाद में दलित परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाया। फरीदाबाद के सुनपेट गांव में पुराने विवाद और आपसी रंजिश के बाद गांव के दबंगों ने दलित परिवार के घर में आग लगा दी। घटना में पति पत्नी सहित 5 और 6 वर्ष की उम्र के 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। दोनों बच्चों की मौत हो गई, जबकि पति पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि आरोपियों ने एक दलित परिवार के घर पर अचानक हमला बोला और पहले उनकी पिटाई की, फिर पेट्रोल छिड़क कर घर में आग लगा दी। विरोध का तरीका सभ्य होना चाहिए, अरुण जेटली ने कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में असहिष्णुता की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसका तरीका सभ्य होना चाहिए। जेटली ने कहा कि अहम बात यह है कि ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों का निरंतर विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि कोई किसी बात का विरोध करे, मगर प्रचार पाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने से बचना चाहिए। जेटली ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट की है। केजरीवाल का नरेंद्र मोदी पर फिर हमला, कहा दिल्ली पुलिस हमें दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार पर आए एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से हमला तेज करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस को उनके हवाले कर दिया जाना चाहिए। केजरीवाल ने कई ट्वीट कर कहा कि मोदी जी जिद छोड़िए, हमारे साथ मिलकर काम करिए और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा तथा दिल्ली पुलिस को हमारे अधीन कर दीजिए, हम 1 साल में सब ठीक कर देंगे। पाकिस्तान के क्वेटा में विस्फोट, 11 लोगों की मौत। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री बस में बम विस्फोट होने से 2 बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य लोग घायल हो गए। यह विस्फोट सोमवार की रात उस समय हुआ जब बस क्वेटा की सरियाब रोड स्थित एक बस अड्डे से रवाना होने वाली थी। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिक हैं। उन्होंने बताया कि घायलों में 8 लोगों की हालत काफी गंभीर है। इस तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।